प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर अंबाला से। आपको बता दें कि अंबाला शहर के नगर निगम कमिश्नर पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार वे क्यों भू माफिया पर मेहरबान है। दरअसल ब्रू स्ट्रीट के मालिकों के द्वारा कागजों में फर्जी वर्णन किया गया था और फर्जी दस्तावेज लगाकर फायर की NOC और ट्रेड लाइसेंस बनवाए गए थे और फर्जी वाड़ा करने वालों पर 11 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल आपको बता दें कि निदेशक अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा 11 रिमाइंडर भेजे गए थे और रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद भी नगर निगम कमिश्नर भू माफिया पर मेहरबान है। हालांकि प्रथम दृष्टया तो आरोपियों के खिलाफ 420, 467, 468, 471 और 120 बी का मुकदमा बनता है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद नगर निगम कमिश्नर मौन है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि इस मामले में नगर निगम कमिश्नर आखिर क्यों मौन है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो अंबाला से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि अंबाला शहर नगर निगम कमिश्नर की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वे क्यों भू माफिया पर मेहरबान है। बता दें कि ब्रू स्ट्रीट के मालिकों ने कागजों में फर्जी वाड़ा किया था और फर्जी दस्तावेज लगाकर फायर की NOC और ट्रेड लाइसेंस बनवाए गए थे और फर्जी वाड़ा करने वालों पर 11 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आपको बता दें कि इस मामले में निदेशक अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा 11 रिमाइंडर भेजे गए थे और रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद नगर निगम कमिश्नर भू माफिया पर मेहरबान है। हालांकि प्रथम दृष्टया तो आरोपियों के खिलाफ 420, 467, 468, 471 और 120 बी का मुकदमा बनता है, लेकिन इसके बावजूद अंबाला शहर नगर निगम के कमिश्नर मौन है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों नगर निगम कमिश्नर इस पूरे मामले पर मौन है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो अंबाला शहर से आ रही है।